टीना यादव ने दिखाई होली की तस्वीर तो मोदी भी गमगीन हो गए। होली मन गई लेकिन ना अखिलेश यादव खुश थे ना डिंपल यादव। लखनऊ से लेकर सैफई तक समाजवादियों की होली फीकी रही। शिवपाल और रामगोपाल यादव भी होली के रंग में नहीं दिखे। देश दुनिया में होली मनाई गई। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक होली की गूंज रही लेकिन इस बार होली के मौके पर मन उदास सा है। सैफई मैनपुरी से लेकर आजमगढ़ तक होली का रंग फीका रहा। रंग तो सबने खेले, गुलाल भी सबने लगाया, फिर भी इस बार ना अखिलेश के चेहरे पर खुशी दिखी ना डिंपल के चेहरे पर होली की खुशियां दिख पाई। शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव के लिए भी होली फीकी ही रही। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस बार यूपी में वो होली नहीं हुई जो पिछले साल तक होती थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी टीना ने होली की एक ऐसी तस्वीर शेयर की है कि करोड़ों लोगों का दिल रुआंसा है। समाजवादियों की खुशी गायब है और मोदी, योगी, लालू, शरद पवार जैसे नेता गमगीन है। हम आपको वो तस्वीर दिखाएं, उससे पहले जान लीजिए कि हमारे देश में गिने चुने लोगों के घर ऐसी होली होती है जिसकी चर्चा देश दुनिया में होती है। लालू प्रसाद यादव के घर भी ऐसी ही होली होती है लेकिन बीमार होने की वजह से लालू अब उस रंग में नजर नहीं आते और ना ही सैफई में इस बार वो होली नजर आई, क्योंकि जिनके आशीर्वाद से ये होली सैफई में होती थी वो हमारे बीच नहीं है। अखिलेश यादव की बेटी टीना ने मुलायम सिंह यादव के साथ खेली गई होली की एक तस्वीर शेयर करके पुरानी यादें ताजा कर दी है। टीना ने ट्वीट कर एक पुरानी तस्वीर लगाई है जिसमें मुलायम परिवार के सभी लोग होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं और मुलायम सिंह भी इस तस्वीर में होली के रंग में सराबोर हैं। तस्वीर ट्वीट करते हुए टीना ने लिखा है, सब है फिर भी कमी सी है, मिस यू दादू। ट्विटर स्क्रॉल करते हुए जब हमने ये तस्वीर देखी तो यकीन नहीं हुआ कि नेताजी मुलायम सिंह हमारे बीच नहीं है। लगा ये तो आज की तस्वीर है, सबने होली खेली है और टीना ने ये तस्वीर पोस्ट कर दी है। फिर सहसा याद आया कि मुलायम सिंह तो हमारे बीच अब नहीं है। फिर आंखें ओझल सी होने लगी, यादों के समंदर में खो गए कि किस तरह सैफई में होली होती थी। पूरा समाजवादी परिवार जुटता था, बड़े छोटे सब मिलकर खूब होली खेलते थे और नेताजी से बहुत सारा आशीर्वाद लेते थे। इस बार उन सारे लोगों को मायूसी हाथ लगी जो नेताजी के साथ होली खेले थे। पहली बार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिना नेताजी के होली मनाई, या यूं कहें पहली बार ऐसा हुआ कि मुलायम परिवार में बिना नेताजी मुलायम के होली मनी। शिवपाल सिंह यादव से लेकर प्रोफेसर रामगोपाल यादव तक सारे लोग मुलायम सिंह को ही याद कर रहे थे। टीना ने तो नेताजी की फोटो शेयर करके सबको मुलायम सिंह यादव वाली होली की ही याद दिला दी। खैर, किसी तरह नेताजी के नहीं रहने पर होली तो मन ही गई, लेकिन नेताजी भी होते तो कहते कि ये होली तो बस रंग गुलाल वाली है, असली होली तो 2024 में होगी। वो भी होते तो यही कहते कि सब लोग 2024 के लिए जुट जाओ और 2024 में समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करके समाजवादियों की सरकार बनवाओ, असली होली वही है। एक बात और, नेताजी के निधन के बाद से जिस तरह यादव परिवार एकजुट हुआ है उसे देखकर भी नेताजी काफी खुश हो रहे होंगे। खासकर जिस तरह शिवपाल सिंह यादव नेताजी की गैर मौजूदगी में नेताजी का फर्ज निभा रहे हैं उससे तो वो काफी खुश हो रहे होंगे। अखिलेश यादव भी जिस जोश के साथ समाजवादी पार्टी की मजबूती में लगे हैं वो देखकर नेताजी को लगता होगा कि पार्टी और परिवार कितना मजबूत हुआ है। इन्हीं सब आशीर्वाद के साथ नेताजी जहां भी होंगे, होली में इस बार शरीक हुए हों या ना हुए हों, लेकिन सबको यही आशीर्वाद दे रहे होंगे कि खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, समाजवाद का डंका बजाओ और 2024 में समाजवादियों की सरकार बनाओ। होली का ये पर्व तो उनके बिना अधूरा ही है और आगे भी रहेगा, लेकिन नेताजी हम सबके बीच हमेशा रहेंगे और वो जहां भी हैं वहीं से हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ लॉन्चर।